ओम प्रकाश यादव को एमपी बनाने में चली गई संत हरेंद्र भगत की जान, बड़ा खुलासा भोजपुरी बत कही। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरात को बैठ रहे हैं। हम भाई राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज हमने के आई बनी जा एगो ऐसा शख्स के लगे जे जेकर एगो अलग पहचान बा। आज हमने के पहुंचल बन जा सिवान जिला के चकरा में। जेकरा से हमने के आज भोजपुरी में बत कही कल जाई ओकर एगो अलग पहचान बा। एगो जिंदा दिल नौजवान जे जिला परिषद के भी चुनाव लड़नी आ चकरा एगो बीडीसी सदस्य के रूप में लगातार दो बार यहाँ के बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लगातार उठौनी। तो हमने के आज मिलल जाई धर्मेंद्र मिश्रा जी से। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बत कही मेरा। तो स्वागत बा भोजपुरी पद कही सुने वाला के भी स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमरा उसे बहुत बहुत प्रणाम बा जे भी भोजपुरी पद कही सुनता। हमनी के आज एगो अहम मुद्दा पर बत कही कल जाए कि ए चकरा के रउरा जौन क्षेत्र बा जौन रउरा बी डी सी सदस्य रहनी आ रउरा क्षेत्र में एगो हरेंद्र भगत जे एगो ऐसा नाम रहे जेकरा के क्षेत्र में सारा लोग जानत रहे, मतलब एगो लड़ाकू इंसान और जेकर हत्या हो गई सिवान कोर्ट में। तो वहाँ के बारे में सबसे पहले हरेंद्र भगत के बारे में परिचय हमरा श्रोता सुनवैया के बताएं। हरेंद्र भगत जी भंटा पोखर गांव बा। भंटा पोखर पंचायत में ही चकरा आवेला, सिवान सदर ब्लॉक में पड़ेला। तो भंटा पोखर गाँव में वहाँ के जन्म भी रहे। भंटा पोखर गांव वहाँ के हमरा संग ही भाट पराने से शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण कहनी। बचपन से लेके बीए तक वहाँ के पढ़ने पढ़ला के बाद वहाँ कहीं नहीं तो गांव में थोड़ा सा आईपीएफ वगैरह से भी वहाँ के संबंध भय। ओकर बाद वो पार्टी छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेना। संन्यास ग्रहण कर के बाद हरेंद्र जी 2001 में पंचायत के चुनाव लड़ने या मुखिया बने। हम बी डी सी मेम्बर से चुन के सिवान सदर ब्लॉक में गए। मतलब जब वहाँ के मुखिया रहने तब वही पीरियड में रूरा बी डी सी पहला शुरुआती दौर में 2001 में बहुत कई बरस के बाद चुनाव भे रहे। तो हरेंद्र जी मुखिया बहनी हम बी डी सी के मेंबर बन के सिवान सदर ब्लॉक में गए। 2001 से लेके 2004 में चुनाव भे लोकसभा के। तो उस समय के यह पोजिशन रहे कि बूथ पर के वोट देवे ना जाओ, केहू वोट देवे जेबे ना करे। मतलब कहल जा सकेला कि मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के आतंक के समय रहे रहबे करे। ओ बेरा के वैसा समय रहे कि वोट देवे ना जाओ। आ हमरा एरिया के पूरा सिवान विधानसभा ओ बेरा के जो पूर्व जिला के विधानसभा रहे उ सब बूथ छपा जाओ आ ना तो राजद के लोग जो रहे उ लोग अपन आवे आ वोट डाल ले के वोट देवे ना जाओ। जब 2004 में लोकसभा के चुनाव भे तो लोकसभा के चुनाव में जनता दल के यू के प्रत्याशी रानी ओम प्रकाश जी तो वहाँ के अने हमने के सब लोग मिल के वहाँ के सहयोग कल 2004 में। वही में हरेंद्र जी के द्वारा कठिन काम ई कल गई कि बूथ ना छापे दिया गई। हरेंद्र जी के द्वारा बूथ मने पंचायत में ना छापे दिया गई एगो बहुत बड़ा बात, एगो बहुत बड़ा मतलब इस शब्द एगो बहुत बड़ा कहानी के बयां करता कि हरेंद्र भगत वो शख्स के नाम रहे कि अकेले दम पर मतलब कहल जा सकेला भोजपुरी में कि खुनिया जाए तो कुछ ना करे दें। तो हरेंद्र भगत वो शख्स के नाम रहे जे अपना दम पर अपना लड़ाकूपन के दम पर वहाँ के बूथ ना था छापे दी। जौना बेरा केहू मोहम्मद साहबुद्दीन के डर से झंडा ना लगावे ओ बेरा अगर ओ शख्स के ई कहानी रहे कि बूथ ना छापे देम तो का भइल वहाँ के मतलब अकेले खड़ा हो गए। जेकरा जहाँ मन करे वोट गिराओ, वोट गिरावला पर कोनो प्रतिबंध ना रहे। जेकरा जहाँ मन कर वोट दिहल, जेकरा जहाँ मन करता वोट देव, जौना पार्टी के देवे के बाद लाइन लगा के वोट दे। हरेंद्र गलती इतने रहे, हरेंद्र जी गलती ई ना रहे कि केकरा के वोट देवे के। लेकिन चूंकि उनके मैंने हमने के ये बात के जानकारी चूँकि हम ओबरा भाजपा के क्रीड़ा मंच के जिलाध्यक्ष रहे
ओकरा भाजपा क्रीड़ा मंच के जिलाध्यक्ष रहनी, एकरा पहले मने वाली टीम में भी हम भाजपा के जिला मंत्री रहनी हाँ, जिरादी विधानसभा के भाजपा के प्रभारी रहनी हाँ, एकरा पहले मने मनोज सिंह जी के टीम में। मतलब रउआ भाजपा के एगो कद्दावर नेता रउआ के मानल जाला, आ ऑलरेडी जौन क्षेत्र में जैसे घूमल गए तो लोग के जौन कहनाम बा कि हरेंद्र भगत हर पार्टी के जौन जुझारू नेता रहें ओकरा से बहुत क्लोज रहें, आ उनकर मतलब कोना यही बात के चर्चा रहे कि बहुत ही जुझारू पर्सन रहे। ओबरा वोट ना छापे दल, वोट ना छापे दल तो वो मान ली कि ओबरा तो होखबे करे कि जे भी ओम प्रकाश जी के संगे जा, मैंने जे भी ओम प्रकाश जी के संगे गईल अगर थोड़ा सा जुझारू रहे तो ओकरा के मारल जाओ, पिटल जाओ, भगाओल जाओ। ये व्यवस्था रहे कि जे विरोध करे ओकरा ओकरा संगे गलत रूप से पेश आयल जा, हमनी के तो हट गए नहीं जा, लेकिन हरेंद्र जी चूँकि संत हो गए रहे आ निर्भीक आदमी रहे, वो एक बेरा खाना खास एक बार अपना हिस्सा के संपत्ति लेके जगह जमीन मंदिर में दान कर दल रहे। अच्छा, आ जैसे भी हो के मैंने हमरा दूसरा रूरा से अथी करके अपन जीवन यापन करस, एक पैसा कमीशन ना ले वाला मुखिया के नाम है हरेंद्र भगत। मतलब दिल से वो आदमी बिल्कुल बिल्कुल संत, बिल्कुल संत, आ बस वही एगो कपड़ा एगो गंजी है एगो लुंगी पहने वाला आदमी। उनकर हत्या हो गई सिवान SDO कोर्ट के सामने, हत्या भेला के बाद तत्कालीन विरोधी दल के नेता रहने उपेंद्र कुशवाहा जी आई रहने, ओबरा ओम प्रकाश जी मतलब कहल जा सकल कि ओम प्रकाश यादव जी के चलते हुआ बिल्कुल 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 ओकरा पहले मने ओकरा पहले साहेब से हरेंद्र जी के कोनो दुश्मनी ना, कोनो कारण भी ना रहे दुश्मनी के, चूंकि वो तो संत रहे उनका कोनो बहुत मने मतलब रहे ना, लेकिन जौन सिवान के आज़ाद करावे के बात होता तो सिवान के आज़ाद करावे खातिर उन्हों के अंदर ये दर्द रहे कि सिवान आज़ाद होके के चाहिए, सिवान में लोकतंत्र स्थापित होके के चाहिए, वो दर्द के चलते हमने के ले जाके मिलौने जा ओम प्रकाश जी से या हरेंद्र भगत के, तब हरेंद्र भगत कहने के ठीक बा हम संगे काम करें, आ काम के लायक मतलब ये भाई कि ओकरा बहुत लोग हत्या भेल ओमे हरेंद्र जी के हत्या मने देश का मने सिवान का राज्य के हिला के रख दिलस, हमने के भी बहुत कमजोर हो गए नहीं जा आदमी हट के कैसा मेरा में दर दुकान करके जिंदा रहल उस समय रहे, लेकिन हत्या भेल, हत्या भेले के बाद गांव जवार पंचायत के लोग ही कहल कि भाई हरेंद्र जी जैसा त्यागी नेता के एगो मूर्ति लगे के चाहे एगो व्यवस्था होके चाहे, ओकरी बाद में ओम प्रकाश जी कहनी जो हम मूर्ति कीन देव रउरा लोग जगह के व्यवस्था करे, तो उन्हीं के जगह रहे घंटा पर काले माई तक, लेकिन मूर्ति आज तक ना आई। ओम प्रकाश जी ओकरा बाद का भेल कि गांव के लोग हरेंद्र जी के भाई वगैरह मिल के मूर्ति के व्यवस्था कर लो, आ हर साल यही 19 तारीख के मैंने हरेंद्र जी के पुण्यतिथि मनावल जाला 1906 के उनका हत्या हो जाए, आज तक ओम प्रकाश जी वो मूर्ति पर फूल के मौलो चढ़ावे नहीं किया, दूगो फूल चढ़ावे भी नहीं किया। एगो बहुत बड़ा सत्यता सामने आ रहा बा कि वो एगो जुझारू संत के हत्या हो गई, आ ओम प्रकाश यादव जी खातिर जैसे कि गाँव के लोग कह रहा बा, समाज के लोग कह रहा बा, जनप्रतिनिधि लोग कह रहा बा, आखिर कहे वहाँ के करें पता ना, तो वहाँ के तो वहाँ के बताए वो संबंध में रुरा जा के पता कर सकेले हरेंद्र जी के भाई 19 तारीख आए तो सबका से भेंट बात भी हो जाए। हरेंद्र जी के भाई के नाम है वीरेंद्र कुशवाहा, नौकरी करने फतुहा में PhD में, वो जाके मिलने भी बात तक वो नहीं किए, हम नहीं कह रहे हैं मैंने हमने की कहा गांव के लोग हरेंद्र जी के भाई बते हैं कि उनका संगे कौन व्यवहार भे, हम तो चूंकि सुनता था गले, लेकिन हम जो कहते हैं उनकर गारंटी बा कि हरेंद्र जी के भाई से बातचीत भी ना भेल। ओकरा बाद में मनोज सिंह जी जब MLC भैले, जब वहाँ के MLC भैनी तो एगो सामुदायिक भवन हरेंद्र जी के मूर्ति के बगल में देहनी जो बनल बा आ काली स्थान बोजा, ये 19 तारीख के ही सब लोग जुटेला, लेकिन ओम प्रकाश जी दूगो फूल चढ़ावे हो जाए तक लिखी है। एगो ऐसा संत के हत्या हो गई, यह 19 तारीख के वहाँ के पुण्यतिथि है,
जेकरा के जे दिन में एक बार खाना खाओ आ ओ संत के हत्या जेकरा कारण भइल उ आज तक काहे देखे ना आइल, एगो बहुत बड़ा प्रश्न उठता। हमनी के आज हरेंद्र भगत जी के पुण्यतिथि पर बात करतन जा, धर्मेंद्र मिश्रा जी से हमनी के भोजपुरी बात कही करतन जा। अभी जौन हरेंद्र जी के पुण्यतिथि 19 तारीख के मने वाला बा, तो वहाँ के का तैयारी भइल बा? जैसे जा का होला, गांव के लोग जुटेला, कुछ लोग आवला, फूल माला अर्पित कर जला, उनके समाधि जौन बनल बा ओके साफ सफाई कर जला, और जब फूल माला अर्पित होला उनके नाम के चर्चा होला आ सब लोग मने अपन मने मना के फूल माला धूप बत्ती दिखा के आ हो जला, मने दो चार घंटे के कार्यक्रम होला, ओमे केहू नेता जेकरा इच्छा होला से आ जला। अच्छा, वहाँ के अभी परिवार के लोग जौन बा वहाँ के परिवार में के बा? वहाँ के बियाह ना के लड़ रहे। अच्छा, शादी ना के लड़ने। कितना उम्र रहे? हमरे उम्र रहे 50 वर्ष, ये बना के उम्र में 50 वर्ष आ 2004 में हत्या हुई तो 34-35 वर्ष की उम्र में, मतलब 34-35 वर्ष की उम्र तक वहाँ के शादी ना कर ले रहने, माने 100% वहाँ के संत रहने। संत समाज सेवा, समाज सेवा। एक मतलब वहाँ के जो मुखिया के भी चुनाव लड़ने समाजे के वजह समाजे लड़ा तो जेल में रहा है। अच्छा, तो IPF में रहा है, अगर कुछ केस वगैरह हो गए रहे जौन के वजह से वो जेल में रहा है, आ जेल में रह के मुखिया के चुनाव लड़ रहा है, पंचायत के लोग लड़ावल आ पंचायत के लोग जितावल आ मुखिया भैले, मुखिया भैले के बाद बाहर निकल रहे, तो बाहर निकलने के बाद अपन मुखिया काम करे लगल। अभी जौन पुण्यतिथि मनावल जाता रुआ लोग हरेंद्र भगत के पंचायत के हैं रुआ, तो साथे वो मुखिया रहल बने रुआ एगो BDC सदस्य रहल बनी, तो का रुआ मानतनी कि सच्चा श्रद्धांजलि का हो सकेला हरेंद्र? इससे सच्चा श्रद्धांजलि ये हो सकेला कि हरेंद्र जी के अंदर जौन त्याग के भावना रहे समाज के प्रति, ये देश के प्रति, ये गाँव के प्रति, ये पंचायत के प्रति, वो टाइप के त्याग के भावना के नेता ये बड़ा पावल बहुत मुश्किल बा। जौन आदमी के अंदर आपन कुछौ ना रहे, जौन रहे तो उन सब समाज के रहे, गांव के रहे, पंचायत के रहे। अच्छा, जे वहाँ के हत्या करावल जेकर नाम सामने आवत रहे तो ओकरा के भी एक कोरोना की महामारी ले ले हो, तो अब वहाँ के आत्मा के शांति मिलल? देखिए, जे जे जेकर काम रहे ओकरा मिल गए, ए पर बहुत कुछ नहीं खेब लगे, ए पर का बोले के बा, वो तो जग जाहिर बा, जग जाहिर बा कि जे जे जैसन कर्म कैल ओकर जैसन नाम बा, ओकर जैसन जस बा, ओकर जैसन अपजस बा, वो पर हमरा कुछ नहीं के बोले के। हरेंद्र भगत जी के मतलब सच्चा श्रद्धांजलि का हो सकेला? रउरा अपना रउरा दोस्त रहने, रउरा उनका मुखिया रहनी वगैरह, रउरा BDC सदस्य रहनी, तो अब का ओजा चाहते नहीं कि ओजा मूर्ति लागे के कहें कि ना? ओजा मूर्ति लाग गई, हम तो पहले बता देने कि उनके भाई अपना से पर्सनल व्यवस्था करके। अच्छा, जब उन प्रकाश जी के द्वारा जब उनका कोनो रिस्पांस ना दिल गए, द्वार पर गिर ले, उनकरा से कोनो बात ना पूछल गए, तो आके राय के लिए गाँव में हमने को राय में शामिल बने जा, वो अपना व्यवस्था से मूर्ति लगौल है, ओमे केहू नेता के कोनो योगदान नहीं किया, लेकिन ई कष्ट जरूर बा कि जेकरा खातिर हत्या भइल वो आदमी दूगो फूल भी वो मूर्ति पर चढ़ावे आज लेना आई। मतलब गांव समाज के ई कौन पंचायत है? भंटा पोखर पंचायत के ही वहाँ के मुखिया? हाँ, ये तो यानी कि भंटा पोखर पंचायत के मुखिया जौन रानी पूर्व मुखिया हरेंद्र भगत जी के पुण्यतिथि बा 19 जून के, आ 19 जून के पुण्यतिथि हर बार मनावल जाला। ऐजा के जौन पंचायत के लोग बा, एगो पंचायत के लोग के बड़ा दर्द बा कि जेकरा वजह से हत्या भइल उ काहे ना आए, तो हम ये बात कही के माध्यम से वो आदमी अगर वो सुनता तो एगो मैसेज देवे चाहें कि वो आदमी के आवे के चाहें, अगर वो कुशल राजनेता वहाँ के बानी तो वहाँ के आके ओजा अभी भी समय बा, ओजा कुछ कराई। रउरा का बतकही के माध्यम से का मांग करे चाहते हैं? हमार कोनो मांग नहीं, हमार मांग यह बात कि बस हरेंद्र जी के आत्मा के शांति मिले,
और रह गई बात कि जो राजा रहे वो ना बाँटल तो अब का बाँट सके, अब तो कुछ दे नहीं सकत रूरा। रूरा एमपी रहने दस वर्ष कुछ ना कहनी हरिंदर जी के नाम पर, हरिंदर जी के परिवार खातिर रूरा कुछ ना कहनी, रूरा समाचार तक ना कुछ नहीं, तो अब रूरा क्या कर सके। चलिए अपन परिचय थोड़ा सा दे दी हमारे श्रोता समझिए। धर्मेंद्र मिश्र पूर्व बीडीसी भंटा पोखर सह पूर्व जिला मंत्री भाजपा सिवान। चलिए हमने क्या आज मिलनी है जा भोजपुरी बतकही कहनी है जा कि हरेंद्र जी के मुखिया काल में हरेंद्र भगत एगो लड़ाकू नाम आ वहाँ के पुण्यतिथि बा 19 जून के तो वहाँ के सहयोगी बीडीसी सदस्य धर्मेंद्र मिश्रा से तो बहुत बहुत धन्यवाद। काल फिर एगो ऐसे शख्स के लेकर हुआ सामने आए, तब तक शेयर करी सब्सक्राइब करी भोजपुरी बत कही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।